हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेंसर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। तो पहले देखेंगे ये शेयर आपका फंडामेंटली कैसा कंपनी है, उसके बाद इसका टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जानेंगे इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल्स जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए, आज के डे पे अभी तक ये शेयर आपका हाई गया था 311.65, लो गया था 300, एंड आज के डे पे इस शेयर ने आपका रिटर्न दिया है 1.83% का। एंड आज के डे पे अभी इसका जो प्राइस चल रहा है वो आपका चल रहा है लगभग 309.4550 इसी रेंज पे। ओके, इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है ₹6,968.72 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है ₹6,542 करोड़, एंड पीई रेशियो है 21.72। इस कंपनी के ऊपर आज के डेट पे किसी भी तरीके का कुछ भी डेप्थ नहीं है। ये कंपनी एकदम ही एक आपका बिल्कुल डेप्थ फ्री कंपनी है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। एंड कंपनी के पास अभी कैश है ₹426.78 करोड़। ओके, और इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 1.26। अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक और एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे एक से ज्यादा ही है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹14.17, रिटर्न ऑन इक्विटी है 17.24%, एंड आरओसी है 23.17%, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। इस कंपनी में लास्ट ईयर में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 25.36%। ये जो कंपनी है जेंसर टेक्नोलॉजीज, इस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 49.09%, पब्लिक का होल्डिंग है 21%, FII का होल्डिंग है 16.55%, एंड DII का होल्डिंग है 13.37%। अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक चीज देखिए, ये जो आपका 49.09% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है। प्लेजिंग शेयर का जो परसेंटेज है बिल्कुल जीरो है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस कंपनी का लास्ट 5 क्वार्टर का क्वार्टरली रिजल्ट ओपन कर लिया, तो पहले हम लोग थोड़ा सा नेट सेल्स देख लेंगे। ओके, तो देखिए, लास्ट क्वार्टर मतलब आपका मार्च 2022 पे इस कंपनी का आपका नेट सेल्स हुआ है 445.10 करोड़, जो कि इसका जो पिछला आपका लास्ट 4 क्वार्टर का नेट सेल्स है उसके मुकाबले ज्यादा है। अगर हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो लास्ट क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है 115 करोड़, जो कि इसका जो पिछला आपका लास्ट 4 क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके मुकाबले ज्यादा है। अगर हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखिए, लास्ट क्वार्टर में नेट प्रॉफिट हुआ है 105.60 करोड़, जो कि इसका जो पिछला आपका लास्ट 4 क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है उसके मुकाबले ज्यादा है। मतलब ओवरऑल अगर बात करेंगे तो मार्च 2022 का जो Q4 का रिजल्ट निकला है वो आपका बहुत ही अच्छा निकला है। ओके, और एक चीज देखिए, इस कंपनी में मार्केट के दिग्गज इन्वेस्टर आशीष धवन सर ने लगभग आपका 73.90 करोड़ का होल्डिंग करके रखा हुआ है, आपका 2022 मार्च तक जो डेटा मिल रहा है उस हिसाब से। ये भी एक आपका अच्छा बात है। मार्केट के यहाँ पे देखिए, 91% एनालिस्ट इस शेयर को इन्वेस्टर को बाय सजेस्ट कर रहा है, जो कि एक अच्छा बात है। और एक चीज देखिए, ये कंपनी आपका हर एक साल अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करता है, एंड कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट में भी है, जो कि फंडामेंटली एक आपका बहुत ही अच्छा बात है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे, एंड वहां पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा से ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का 1 डे का चार्ट ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, इस जगह पे ये आपका था 27 मई 2022 का दिन था, यहाँ पे एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था, एंड उस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था। तब से देखिए लगातार ये शेयर आपका ऊपर की तरफ भाग रहा है, एंड आज का डे पे भी यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल ही फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। RSI भी देखिए 40 का लेवल को तोड़ के नीचे चला गया था, लेकिन फिर से आपका RSI अपटेन हो चुका है, जो कि टेक्निकली एक अच्छा बात है। और MACD अभी भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर ही, मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके,
तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, इस शेयर आपका बहुत दिनों से गिर रहा था, मतलब बहुत वीक से गिर रहा था। गिरते गिरते देखिए लास्ट वीक पे यहाँ पे देखिए मैंने मार्क करके रखा हुआ है लाल करके, ये जो कैंडल फॉर्म हुआ है जिस पैटर्न पे, इसको बोला जाता है आपका हैमर पैटर्न। जब भी कोई भी शेयर बहुत दिनों से गिर रहा है यानी उसके बाद अगर ऐसे हैमर पैटर्न का कैंडल फॉर्म होता है, इसका मतलब क्या, ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, मतलब अभी ये शेयर ऊपर की तरफ जाने वाला है। ओके, और उसको कंफर्मेशन करते हुए देखिए ये जो अभी जो करेंट वीक चल रहा है यहाँ पे देखिए एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, जो कि आपका टेक्निकली आपका बहुत ही अच्छा बात है। ओके, तो मेरे हिसाब से अभी जो इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस है लगभग आपका 309.10, अगर इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए, और अगर आप लोगों का नजरिया मिनिमम 6 से 7 महीने का भी है, तो मुझे जो लगता है कि 6-7 महीने के अंदर ये शेयर आपका 450 का जो टारगेट है उसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं, मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।